बस्ती में देखने जाना है यहाँ पे तुम लोग, आज के बाद देखने जाना तुम लोग, नहीं तो मार वाले ठीक कर देंगे। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में लगातार फैल रहा है। इसी बीच कई जगह से ऐसी वीडियो भी सामने आ रही हैं, जिनमें बदसलूकी की तस्वीरें दिखाई देती हैं। ऐसी एक वीडियो लखनऊ से भी सामने आ रही है, जिसमें बीजेपी के विधायक बृजभूषण शरण राजपूत ने एक सब्जी वाले से उसका नाम पूछा और जब पता चला कि वो मुस्लिम है तो उस सब्जी वाले को वहाँ से भगा दिया। दरअसल महोबा जिले के चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत लखनऊ के गोमती नगर इलाके में अपने आवास पर थे। वहाँ जब एक सब्जी वाला आया तो वो बिना किसी पहचान पत्र के था, लेकिन विधायक ने उस सब्जी वाले को इसलिए भगा दिया क्योंकि वो मुस्लिम था और हिंदू नाम बताकर सब्जी बेच रहा था। विधायक ने उस सब्जी वाले को धमकी भी दी कि आगे से कभी इस मोहल्ले में ना आना। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। सही बताओ क्या नाम है? बोला राजकुमार। राजकुमार नाम नहीं है तुम्हारा, सच बोलो क्या नाम है? क्या नाम है? सच बोल। राजकुमार नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? सही बोलो नहीं तो अभी मार मार के ठीक कर दूंगा तुझे। क्या नाम है? अरे भाग का है वे? भाग का है रे? भाग क्यों रहा है? नाम बता सही से, अपना नाम बताओ। क्या नाम? नाम बताओ अपना। नाम क्या बेटे? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा पापा जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। साला झूठ बोल रहा था मुसलमान। क्या बोल रहे बे? राजकुमार तो बोलते रहते हैं। जब नाम पूछा जा रहा है तुम्हारा, क्या नहीं बता रहे हो? आपको बता दें कि इसी प्रकार का मामला बीते दिनों भी सामने आया था, जिसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी नेताओं और विधायकों से ऐसी बयानबाजी ना करने को कहा था और एक्शन की चेतावनी भी दी थी। अब बीजेपी विधायक की सफाई भी सुनी। उन्होंने कहा कि मैंने उस व्यक्ति से सब्जी ली थी, लेकिन हिंदू भावना के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है। उसका नाम रहमुद्दीन है, लेकिन नाम राजकुमार बता रहा था। उसके पास सब्जी बेचने का पास भी नहीं था। अगर मुसलमान हो तो मुस्लिम नाम ही बताना चाहिए। इसके साथ ही विधायक ने यह भी दावा किया कि कानपुर में 16 सब्जी वाले कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। सब्जी बेचने वाले शख्स को ग्लव्स मास्क पहनना चाहिए। इस तरह गुमराह कर हिंदू भावनाओं से खेल रहे हैं और मुसलमान होकर हिंदू नाम बता रहे हैं। बीजेपी विधायक बोले कि पूरे देश का हिंदू भयभीत है। जिस तरह की वीडियो सामने आ रही है, झूठ बोलकर सामान बेचना गलत है। हमने समाज को तोड़ने वाली बात नहीं कही है। ऐसे में देखना होगा कि इस विधायक पर बीजेपी क्या एक्शन लेती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।